3 से 4 अपराध कर्मी घुस करके और बैंक के स्टाफ को कब्जे में लेकर के लगभग 28 से 29 लाख रुपए की लूट कर लिए हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिखौफ अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शेखपुरा का है, जहां सुबह सुबह एक्सिस बैंक से अपराधियों ने करीबन 50 लाख से अधिक रुपए की लूट की घटना का अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा बदमाशों ने लूट की घटना का अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले बैंक कर्मियों को बंधक बनाया, जिसके बाद बैंक में बड़ी लूट की घटना का अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला बरबीघा थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने हथियार के बल पर करीबन 50 लाख रुपए की लूट की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। फिलहाल बैंक कर्मी इस मामले में बयान देने से इनकार कर रहे हैं। वही पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। लूट की वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक पहले बैंक में बैठा था, तभी एक अन्य बदमाश बैंक में प्रवेश करता है और बैंक में बैठे युवक भी हथियार निकालकर बैंक कर्मियों को बंधक बना लेता है। एक सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिख रहे हैं, जो हथियार के बल पर सभी कर्मियों को अपनी डेस्क से हटा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। चाबी के लिए थोड़ा बहुत होता है ना, नहीं देना या मतलब सायरन बजाने का कहीं मौका नहीं मिला किसी को? सायरन बजाने का मौका नहीं मिला किसी को? नहीं मिला जब फर्स्ट वहाँ सायरन सायरन एक हमारे पास है और सायरन एक टेलर पास है, यहाँ पे सायरन किसी को बजा दिया रहता है? सायरन पूछो तो टेलर से सायरन बजाया था। सायरन गड़बड़ था क्या? सायरन नहीं, साइलेंट सायरन है, हमारा कमांड सेंटर कॉपरेट करता है ना उसको, फिर वो इन्फॉर्म करता है। सायरन आवाज नहीं करता? नहीं आवाज नहीं करता। तो फिर सायरन क्या फायदा? साइलेंट सायरन है, सारे बैंक एक्सिस बैंक में साइलेंट ही लगा हुआ है। मैंने लगाने से फायदा वो वहाँ से कमांड सेंटर इन्फॉर्म करता है। हाँ सर, सर जी सर, अभी एक्सिस बैंक में लगभग जैसा कि बताया जा रहा है कि 10, 20 या 25 के समय के लगभग में 3 से 4 अपराध कर्मी घुस करके और बैंक के स्टाफ को कब्जे में लेकर के लगभग 28 से 29 लाख रुपए की लूट कर लिए हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों द्वारा जो है सारे संभावनाओं पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारे का हम लोग जो है तहकीकात कर रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस के लिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है यहाँ पहुंच चुकी है और सभी बिंदुओं पर जो है जांच चल रही है, सारे फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है और उम्मीद है कि हम वो लोग बहुत जल्दी ही जो है अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कर लेंगे। लोगों का कहना फायरिंग भी किया है? नहीं, अभी तक इसकी हम लोग की पुष्टि नहीं, कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं आई है। क्या लगता है सर, बैंक कर्मी के भी कार्य की जांच होगी क्या? अभी अभी सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। हम लोग यहाँ से सारा जो है जितने भी संभावित जो भी है टेक्निकल हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, हमारे DIU की टीम है और फॉरेंसिक्स एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पर और सारे बिंदुओं पर जांच चल रही है और हम लोग बहुत जल्दी केस का उल्लंघन कर लेंगे। क्या लगता है कि चूंकि टारगेट बैंक को ही बना रहे हैं अपराधी लगातार, इसको जो है लेकर के इस बिंदु पर भी हम लोग ये करेंगे कि हम लोग किस स्तर से कहाँ से चूक हुई कि ये घटना हो चुकी है। टीम बनाई जा रही है जांच की? एकदम सारा चीज तीन से चार ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।